अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व्यूअर्स, आज आपकी खिदमत पर हम लेकर आए हैं ईकॉन का चेंज ओवर स्विच और इरोजन का चेंज ओवर स्विच। दोनों एक ही कंपनी के हैं चेंज ओवर, सिर्फ इनके जो नाम वगैरह हैं वो चेंज किए हुए हैं। ठीक है, एक 40 एम्पेयर का है और एक 50 एम्पेयर का है। तो सबसे पहले ईकॉन 40 एम्पेयर से स्टार्ट करते हैं। ईकॉन चेंज ओवर स्विच यूनिवर्सल रोटरी स्विच है, ये LW52P इसका मॉडल नंबर है, 500 वोल्ट एंड 40 एम्पेयर। बाकी आप इसकी जो ब्रांडिंग वगैरह हुई है वो चेक कर सकते हैं बॉक्स पर। आज इसको अनबॉक्स करते हैं, चेक करते हैं इसमें हमारे क्या ऑप्शंस मिलते हैं। इसकी बकायदा मैंने एक वीडियो पहले भी अपलोड की थी जिसमें हम इसे इंस्टॉल करके दिखाए रहे थे, तो वो उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगा। ये आप चेक कर सकते हैं चेंज ओवर, ये इसकी नाब होती है। ये ज़ीरो पे, अगर आपने मीटर बिल्कुल बंद करना है तो ज़ीरो पे रहेगा। ये 1 मीटर है, अगर आपके घर में 2 मीटर लगे हुए हैं ये 1 पे आप रख सकते हैं और ये 2 पे। ये आप इसके पॉइंट्स भी चेक कर सकते हैं, ये बैक साइड से LW540 इसका मॉडल नंबर है, 100% कॉपर में ये। ये आप इसके पॉइंट्स चेक कर सकते हैं। इसकी जो पॉइंट्स की वर्किंग है वो ऐसे होती है, दो जो आपके जो फेस और न्यूट्रल आएगा मीटर की तरफ से वो इधर लग जाएगा, इस तरफ से आपने लोड ले लेना है अपने घर के लिए, और दूसरे मीटर का लोड इस तरफ से लग जाएगा और इस तरफ से आपने लोड ले लेना है। तो जब आप इसको यानी कि यूज़ करेंगे, अब देखें आपने पहले मीटर पर ऑन करना है तो आप पहले मीटर पर इसको कर देंगे, और जब आपने जैसे भी यूज़ करना है 15 डेज यूज़ करना है, हाफ मंथ या जैसे भी, तो आप उसको जब दूसरे मीटर पे करना है, पहले आपका ज़ीरो पे आएगा, ये दूसरे मीटर पे आपका करंट चला जाएगा। तो और अगर आपने जब बंद करना है तो आप इस दरमियान में करके इसको स्विच ऑफ बंद भी कर सकते हैं। ईकॉन का ये ब्रेकर टाइप भी, इसे चेंज ओवर स्विच कहते हैं, बल्कि ब्रेकर टाइप भी आता है।